हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी रसोई में जो स्पेशल रेसिपी बनने जाने वाली है उस रेसिपी का नाम है पराठा पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं आप इसको, और आप इसको स्टफ्ड पराठा भी बोल सकते हैं, स्टफ्ड वेजिटेबल पराठा भी बोल सकते हैं। और जो ये वेजिटेबल पराठा बनेगा, ये वेजिटेबल पराठा हमने रोटी से बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपने 2 से 3 रोटी आप बना लें। बनाने के बाद में उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे, और उसके अंदर जो स्टफिंग होगा, स्टफिंग के लिए हमने इसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर और चीज़, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है, और जो बेसिक हमारे से मसाले होते हैं वो सब। अभी हमें क्या करना है, जो रोटी है उसको हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रखा है। हमारा ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमें इसके अंदर जो रोटी है उसको फ्राई करना है, उसको कड़क फ्राई करना है, थोड़ा ब्राउन फ्राई करना है मोटी कढ़ाई में अच्छी तरह, जिससे कि वो अच्छे से ब्राउन फ्राई होगा तो खाने में जो स्टफ पराठा होगा वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब देख सकते हैं कि जो पराठा है वो एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गया। इसको हमने कड़क फ्राई करना है। कड़क फ्राई करने से क्या होगा कि इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। कड़क फ्राई करके आप जो 2 से 3 पराठे, जैसे मैंने 2 से 3 पराठे बनाए, 2 से 3 पराठों के लिए मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने उसके अकॉर्डिंग 2 छोटे प्याज, 2 छोटे टमाटर, हल्दी, लहसुन की 4-3 कलियाँ, 2 हरी मिर्च लिए। उसी से हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है और चीज़ डालना है उसमें। अब हमारा जो पराठा है, आप देख सकते हैं जो हमारी रोटी है वो अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब हमें इसको प्लेट में निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो इसको आप हाफ स्लाइस करके रोटी को आधे 2 पार्टीशन में कटिंग करके फिर भी तल सकते हैं। जैसे मैंने हाथ से तोड़कर इसको तला है, तलने से वो बहुत ही अच्छी कुरकुरी फटाफट जल्दी से सिक जाएगी, और मैं उसको प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से दोनों साइड से उसको अच्छी तरह से हमें तलना है। तलने के बाद में, फ्राई करने के बाद में हमें इसको ऑयल रिसा के और निकाल लेना है। इसी तरह से सारी रोटी, जितनी भी रोटी आपके घर में, अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना हो, जैसे 1 से 2 लोगों के लिए बनाना है तो 3 रोटी इनफ है। अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप इसके अंदर ज़्यादा रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा जो ऑयल है वो आप कढ़ाई में से कम कर लें। कम करने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी राई, जीरा, प्याज और हरी मिर्च। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्याज है वो हरी मिर्च के साथ में और ऑयल में, हमको लाइट ऑयल, बिल्कुल हमें 1 छोटा स्पून जितना खाना खाने वाला जो स्पून होगा उतना हमें इसमें ऑयल रखना है, और इसके अंदर सारे ही जो वेजिटेबल है, प्याज, हरी मिर्च, राई, जीरा और हमारी जो टमाटर, जैसे हमारा थोड़ा सा प्याज सिक जाएगा, सॉटे हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर हम इसके अंदर मसाले और हमारी जो टमाटर और हमने ये कटिंग करके, और हमारी जो रोटी है वो हमने एकदम कड़क, आप देख सकते हैं कि एकदम जैसे आपको आवाज़ आ रही, कड़क हमें इसको तला है। तलने के बाद में हमें इसको कड़क तलने से हमें क्या होगा कि जब हम इसको खाएंगे तो खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमारा जो प्याज है वो भी सौते हो जाएगा 2 मिनट में। जैसे ये सौते हो जाएगा मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन और टमाटर। अब हमारा प्याज और प्याज और हमारी जो हरी मिर्च है वो अच्छी तरह सौते हो गई है, तो हम इसके अंदर हरी मिर्च और इसके अंदर लहसुन और टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हमारा जो टमाटर, प्याज और हमारी लहसुन, हरी मिर्च सब है ना, वो अच्छी तरह से सौते हो गए, तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। पहले 1/2 टीस्पून जितना नमक डालना है इसके अंदर, और बाकी सारे ही मसाले डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून जितने इसके अंदर डलेगी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा स्पाइसी बनता है ये, जिससे खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमें इसको थोड़ा सा सिम आंच पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको बंद करके ढक के रखना है। अब इस ग्रेवी में हम 1/2 कप जितना पानी डालेंगे, और हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। आप देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मसाले मैंने डाले थे, वो मसाले डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया, और ये अच्छी तरह से ढकने से पक चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला।
मसाला जो है अगर आपके घर में पाव भाजी अवेलेबल ना हो तो आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं या मैगी मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये जो ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, इस सारी ही ग्रेवी को हमें निकाल लेना है प्लेट में। प्लेट में निकालने से हमें के बाद में हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फिलिंग है ये हम जो हमने रोटी तली थी उसके अंदर हम डालेंगे, और उसको डालने से हमें डालने के बाद में हमें इसी कढ़ाई में हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और इन सारे ही जो पराठा हमने बनाए हैं वो डालना है। लेकिन उन सभी चीज़ों से पहले हमें इसके अंदर डालना है चीज़। तो अभी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर चीज़, जिससे ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। अब हमें इसके अंदर एक स्लाइस जो है चीज़ का वो डालना है। चीज़ जो है वो अच्छी तरह से इस मसाले के साथ में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो काफ़ी गर्म है, तो हमें इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करना है। मिक्स करके अब हमारा जो चीज़ है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल चुका है और ग्रेवी के साथ में बहुत ही अच्छी तरह स्टफ्ड हो चुका है। अब ये सारी ग्रेवी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर। अब हमारे पराठे भी रेडी है तले हुए और हमारी ग्रेवी भी रेडी है। हमें इस ग्रेवी को पराठों के अंदर लगाना है, जैसे हम ब्रेड की सैंडविच में कैसे फिलिंग करते हैं उसी टाइप से फिलिंग करना है, और उसको बंद करके और कढ़ाई में रखना है और उसको थोड़ा सा पकाना है। अगर आपको पकाना नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि हमारी ग्रेवी जो है वो पकी हुई है और रोटी भी हमने अच्छी तरह तल ली है। अब हमने जो रोटी तल ली थी उस तली हुई रोटी के ऊपर हमने जो ग्रेवी तैयार की थी उसके अंदर हमने हाफ पार्टीशन में जो ये ग्रेवी है ये रख दी है, और उसके बाद में हमें क्या करना है इसको हमें इस टाइप से बंद करना है। जो भी पराठों पे मैंने लगाया है ग्रेवी को, मैंने उसको बंद कर दिया अच्छी तरह से इस टाइप से। इसको मैंने ज़्यादा कड़क इसीलिए किया ताकि हम इसको जब कढ़ाई में रख कर इसी टाइप से हमें सारे ही जो पराठे हैं, सारी जो रोटी है उसके ऊपर हमें सारी ग्रेवी फिलिंग करनी है। ग्रेवी फिलिंग करने के बाद में हमें उसको इस टाइप से बंद करना है। बंद करने के बाद में हमें इसको रखना है कढ़ाई में। वन बाय वन सारे ही मैं रख के और आपको दिखाती हूँ। अब हमें क्या करना है, ये जो पराठे जो हमने तले थे इसके अंदर हमने स्टफिंग भी डाल दिया और हमने इसके अंदर चीज़ भी डाल दिया, हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी। अब हमें गैस ऑन करना है और थोड़ा सा इसके अंदर हमें डालना है पानी, जो कि इसको हल्का सा सॉफ्ट कर देगा और जो हमारा मसाला है उसके साथ में उसको खाने के ऊपर वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अभी हमने क्या किया, इसके अंदर हल्का सा पानी डाला इसके ऊपर, और इन पानी डालने के बाद में इन जो रोटी है ये इसको हमें, ये अगर आपको अगर देरी से खाना हो या अगर आपने किसी के लिए बना के रखना चाहते हैं अगर आप, तो आप इसके अंदर पानी मत डालें। जब आपको बनाना हो, जब आपको इंस्टेंट खाना हो गर्म करके आप इसको खा सकते हैं। तो इस टाइप से आपने ये पराठे जो है ये अच्छी तरह से रेडी कर लिए। अभी हमें क्या करना है, इसको 2 मिनट खाली सिम आंच पे ढकना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। कड़क तो ये थे ही, अब ये हल्के से मसाले के साथ में मिक्सअप भी हो जाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये। अभी आप इसे 2 मिनट ढक देंगे जैसे ही, तो ढकने से इसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। मैं इसको 2 मिनट ढक देती हूँ अच्छी तरह से, जिससे एयर नहीं जाए। ऐसी पूरी कवर करी हुई प्लेट से आप इसको ढक दें। अब हम प्लेट हटाकर देखेंगे तो हमारे जो पराठे हैं जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं एकदम, मैं आपको इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। अब हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल ही अच्छी तरह, मसाला पराठा जो है हमारा स्टफ पराठा है वो बिल्कुल ही खाने के लिए अच्छी तरह से रेडी है। आप देख सकते हैं जो इसकी स्टफिंग है, जो इसका टेक्सचर है, वो कड़क होने की वजह से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अगर आप इसको खाएंगे तो ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टफिंग है वो बहुत ही चीज़ी है। बहुत ही सब्जियां जो हमने इसके अंदर डाली थी, प्याज टमाटर लहसुन जो नॉर्मली, और पाव भाजी मसाला जो हमने डाला, उससे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर धनिया पत्ती या पुदीना, या अगर आपको वो सब नहीं पसंद हो तो आप इस पर ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा में करते हैं। मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से लाइटली स्प्रिंकल करा है पुदीना, और थोड़ा सा स्प्रिंकल करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही टेस्टी बनेगा खाने में, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसका जो मसाला है, जो स्टफिंग है, वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इतनी चीज़ी और इतनी टेस्टी आ रही है कि अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही पसंद आएगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी इंक्वायरीज हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।